हर एग्जाम में 4 से 6 क्वेश्चन जो लगभग या यूं कहें कमोबेश बार बार सेम टॉपिक से दोहराए जाते हैं, मसलन कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संबंधित प्रमुख जानकारी, खेल कूद, प्रमुख सैन्य अभ्यास या बात करें प्रमुख नियुक्तियों की। इन टॉपिकों की संख्या अगर आप देखें तो कम से कम है 20 से ज्यादा। और कैसा रहेगा अगर यह सब आपको एक जगह मिल जाए, तो मैं लेके आ रहा हूँ 28 जुलाई सुबह 8 बजे 10 महीनों के करंट अफेयर का फेमस द 10 मिनट शो सीरीज का कंपाइलेशन। ये होगा सबसे बड़ा, सबसे हटके। जुड़िएगा जरूर SSC अड्डा यूट्यूब चैनल पे 28 जुलाई सुबह 8 बजे। मैं हूँ तैयार, तो क्या आप हैं तैयार? नमस्कार दोस्तों, SSC अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो ट्रेलर से तो आपने ये देख लिया होगा कि 28 तारीख की सुबह 8 बजे सभी को रहना है धुआंधार तरीके से रेडी, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं कुछ खास, कुछ विशेष और कुछ मजेदार। तो चलिए इसी आज के सेशन में आपको बता दूं कि भैया 28 तारीख आपके लिए, हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन सुबह 8 बजे क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए आज के क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि आज आपके तारीख कितनी हो गई, 25 जुलाई। और 28 जुलाई को आपके लिए आ रहा है करेंट अफेयर का मेगा शो, जो द 10 मिनट शो का कंपाइलेशन होगा और भी बहुत कुछ एक साथ मिल करके होगा। तो सब लोग रेडी हो ना 28 जुलाई सुबह 8 बजे के लिए? अब ये तुम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 28 जुलाई सुबह 8 बजे को कितना बड़ा ग्रैंड शो बनाना है। तो सबसे पहले तिरंगे को सैल्यूट किया जाएगा, उसके बाद आज के सेशन पे हम लोग जाएंगे। लेकिन यार आप सबसे एक बेहद रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको 28 जुलाई सुबह 8 बजे वाले सेशन को जितना बड़ा बना सकते हो उतना बड़ा बनाना है, ठीक है ना। 28 जुलाई 8 AM ये सेशन जितना बड़ा बना सकते हो लल्ला उतना बड़ा आप लोग को बनाना है। अब ये आज 25 तारीख है, हमारे आपके पास 3 दिन का समय है, थोड़ा सा आपका साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। तो जो करेंट अफेयर की बुक है, आज मैं उसका पहला झलक भी आप लोग को दिखाऊंगा। मैं उसमें बड़ी शिद्दत से लगा हुआ हूं। आज तुम लोग से सेशन के लास्ट में मैं आज आपको अपनी करेंट अफेयर बुक की पहली झलक लिख लाऊंगा। एक मैंने बुक लॉन्च किया था प्योरली अपना करेंट अफेयर वार्षिकी, और अब एक लॉन्च करूंगा करेंट अफेयर अर्धवार्षिकी, जो आपको जनवरी से लेके अब तक, नाम का वो अर्धवार्षिकी है लेकिन उसमें मतलब 7-8 महीने का करेंट अफेयर मैंने उसमें एंट्री दे डाला है। तो शुरुआत करते हैं 75 इंपॉर्टेंट MCQ का, क्योंकि आजादी का स्वर्णिम महोत्सव 75वां मनाया जा रहा है ना, तो आज मैंने कहा थोड़ा सा बदल करके फॉर्मेट, 75वां महोत्सव और आजादी की सुबह बड़ी उजाला पूर्ण होती है, तो आज बैकग्राउंड भी हम लोग व्हाइट रखें, सही है ना। आज ये ब्लैक वाला बैकग्राउंड नहीं रहेगा, आज बैकग्राउंड व्हाइट। कैस्पियन सागर की प्राकृतिक विरासत को कितने देश साझा करते हैं? आज के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े अपर लेवल के हैं, सॉल्व करिएगा। कैस्पियन सागर की प्राकृतिक विरासत को कितने देश साझा करते हैं ये आपको बताना है। याद रखना इसको 5 देश आपस में मिलकर के साझा करते हैं, ठीक है ना, 5 देश। ऑप्शन यहां पर आपको आ रहा है। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय के रूप में वर्णन किया है? उसी तरीके से भारतीय संविधान को किसने कहा है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? किसका स्वर्ग है? वकीलों का स्वर्ग। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। बताइए किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है? वकीलों का स्वर्ग कहा है आपके आइवर जेनिक्स ने, क्लियर है ना। आइवर जेनिक्स नाम के व्यक्ति ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है, तो अर्ध संघीय कहा है केसी विलर ने, ठीक है ना। केसी विलर, वीरे नहीं है, वीलर र है, ठीक है ना, विलर LER, केसी विलर। अगला, मुद्रा स्फीति का मुकाबला करने के लिए सामान्य मौद्रिक नीति का रुख क्या अपनाया जाता है?
बताइए, सामान्य मौद्रिक नीति का जो रुख अपनाया जाता है वो तेज तर्रार हॉकिस अपनाया जाता है। हॉक, हॉक काफी तेज होता है ना, इसलिए हॉकिस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भीष्म सानी, आज के क्वेश्चंस थोड़े हवा से दूर दूर नजर आ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि कोई ये क्वेश्चन वो वाली फीलिंग आ रही है ना, सही से बताओ, आप पढ़ करके वही वाली फीलिंग आ रही है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है, भीष्म साहनी इसमें से लिखे हैं तमस, बहुत फेमस है तमस, बहुत फेमस है तमस। अगला, पॉलीसोम के राइबोसोम, पॉलीसोम की व्हाट इज द रोल ऑफ राइबोसोम ऑफ ए पॉलीसोम, सर बताइए। देखो, आर जो आपका आरएनए डीएनए है वो कई प्रकार के, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरएनए भी कई प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर है ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। अगला, एसिटिक अम्ल का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था, आज के क्वेश्चन आपके अब तक के सबसे टफ पेपर को मैंने आज तैयार किया है, अब तक का जो मैं जितने आपको पढ़ाता हूं मैं उनमें सबसे टफ आज का पेपर सेट किया हूं, कि आज ये 75 क्वेश्चन करके देखो। एसिटिक अम्ल का सर्वप्रथम कोलबे ने किया था, कोलबे कई बार का एसएससी में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के विभाजन की त्रासदी से निपटने वाला उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में लेखकों में से किसके द्वारा लिखा गया है, मुल्कराज आनंद, रस्किन बॉन्ड, एम एल मालवांगावंकर या फिर खुशवंत सिंह। ये खुशवंत सिंह ने लिखा है, किसने लिखा है, अ ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, उस कारक की पहचान करें जो महासागर की लवणता को प्रभावित नहीं करता है, बताओ आपको ऐसा कौन सा कारक लग रहा है जो महासागर की लवणता को, सैलिनिटी को प्रभावित नहीं करता। सर आप बताइए, द टाइप ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर बॉडीज। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है, बताइए किसको इसमें भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है, ऑप्शंस देखिए, गेस करिए। एक क्वेश्चन से आज तुम लोग देखना 75 क्वेश्चन में ना 20-25 से ज्यादा तुम लोग के सही नहीं जाएंगे। इनमें से डी ऑप्शन, पंडित कुमार गंधर्व को भारत रत्न नहीं मिला है। किस यौगिक का व्यवस्थित नाम नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड है जो कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में व्यापक रूप से उपयोग किया था और उर्वरक और प्रशीतक के रूप में, बताओ नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड कौन सा, आपके अमोनिया, अमोनिया ही ना आपके उर्वरक में, यूरिया में प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया था। अब यहीं पे उर्वरक की जगह यूरिया वर्ड लिख देते कुछ ऐसा तो आपके लिए एक थोड़ा सा हिंट हो जाता, अमोनिया का उर्वरक में प्रयोग होता है। अगला, सतरिया शास्त्रीय नृत्य किस राज से संबंधित, अब ये वाला कई लोग सही करने वाले हैं, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन कई लोग सही करने वाले हैं। आज के सेशन में मैंने लास्ट में एक इमेज लगाई हुई है और वो इमेज मैं साल भर में एक दो ऐसी मेहनत करता हूं अपने किताब के पीछे जो अब शायद आने वाले दिनों में चरितार्थ होगी, तो मैं आपके साथ उसके बारे में डिस्कस करूंगा। सतरिया असम से, राजस्थान की गायिका अल्लाहा जिलाई बाई निम्नलिखित, ये अभी करेंट अफेयर में चर्चा में थी, आज से मुझे याद है 15-20 दिन पहले, इस महीने की शुरुआत में 20 दिन से पहले मैंने ये करेंट अफेयर पढ़ाया था और तब मैं बोला था कि देख लेना, जिस दिन पूछूंगा मिस करने लगोगे। किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है लोकगीत के लिए, अल्लाहा जिलाई बाई लोकगीत। बास्केटबॉल खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या क्या होती है, खेल खिलाड़ी के ऐसे स्टैटिक वाले पोर्शन तो रहेंगे ही कि भैया क्रिकेट में 11, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, कबड्डी में 7 है, अब ये रग्बी फुटबॉल में 15, तो बास्केटबॉल में सर आपके डी ऑप्शन 5 खेल रहे हैं, बास्केटबॉल के खेल में 5। अगला क्वेश्चन, राम वैद्यनाथन को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2013 में देवदासी, अब ये क्वेश्चन अगर तुम ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, रीजन सर कितना लड़का करेंट अफेयर पढ़े 2013 का 2023 में नहीं, तो मैं ऐसे भी कभी कभार आपके पेपर में एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं जो अत्यंत प्राचीन 2018-19 का पूछेगा, उनके लिए मत परेशान हुआ करो, इग्नोर इट। अगला, प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई का संबंध, अच्छा बताओ क्वेश्चंस मजेदार मजेदार है ना, जो आज मैं आपके लिए थोड़े टफ लग रहे होंगे लेकिन ये तुम्हें एहसास दिलाएंगे कि जीएस बहुत बड़ा क्षेत्र है,
उतना ही नहीं है जितने में आप पढ़ लिया आप खुश हो रहे हैं। ऐसा होता तो जीएस के दम पे ही लोग आईएएस बनते हैं, सब आईएएस बन जाए। सही कह रहा हूं कि नहीं? खैर, प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई पडवानी नृत्य से संबंधित हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग अनाज के लिए कीटनाशक या फ्यूमीगेंट के रूप में और फ्लेयर्स में आग लगाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है, बताइए। सर वो होता है आपके एल्यूमिनियम फास्फाइड, ठीक है, एल्यूमिनियम फास्फाइड। अगला एक लिख रहा है, सर ये तो सीजीएल में आए थे, अब क्या करें। भारतीय जनगणना की कोडिंग पर पार्टी के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों के कोड का प्रयोग किया जाता है, बताइए। जीएस कभी, सही बात है, जीएस कभी खत्म हो ही नहीं सकता। अब जनगणना से, अब एमटीएस का एग्जाम याद करो, दसवीं का, सीजीएल का एग्जाम करो, याद करो आफ्टर ग्रेजुएशन, और एक ये क्वेश्चन है तो जनगणना से ना, लेकिन क्या तुम्हारा ध्यान कभी गया? इसीलिए जो मैं अपनी किताब करेंट अफेयर की लॉन्च कर रहा हूं, जिसकी आज मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, आज मैं आपको बता दूं कि उसमें मैंने क्या किया है, जनगणना को शामिल किया है, ठीक किया ना, सही से बताओ। मेरी अर्धवार्षिकी बुक आ रही है करेंट अफेयर की, अर्धवार्षिकी ये 28 तारीख को लॉन्च होने वाली है, अर्धवार्षिकी 28 तारीख को। मैंने इसमें जनगणना का पोर्शन भले स्टैटिक जीके का है लेकिन लिया, क्योंकि इसमें नंबर आ रहे हैं तो वो दौर। उसी तरीके से आप लोग जान रहे हो कला एवं संस्कृति, इसको मैंने करेंट अफेयर का तो लिया ही लिया, साथ ही मैंने इसका स्टैटिक वाला पोर्शन भी लिया, ठीक है ना, क्योंकि यार ये दोनों ना अलग ही दुनिया है, एक एक नंबर कंफर्म है इनसे। अगला, लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? सर सुने ही नहीं, हम लोग तो सोना सुने थे, सोना खा लिए, सोना पी लिए, सोना सो गए, इधर तो लोना हो गए, अब सोना लोना गड़बड़ा गया, ठीक है ना। तो लोना शब्द का प्रयोग कबड्डी में प्रयोग होता है, सात खिलाड़ी खेलते हैं। सर अगला, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा का सामूहिक संस्करण है, बताओ। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन इज द कलेक्टिव मेमोर ऑफ, इज अ कलेक्टिव मेमोर ऑफ नीरज सिंह चौधरी। अगला, निम्नलिखित में से किसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? सर ये सबको वो करते रहते, बी प्राक। अच्छा, बी प्राक का गाना कहना नहीं चाहिए, अगर आप जैसे सुबह सुबह हैं बी प्राक, अगर अच्छा प्रेशर न बन रहा हो तो आप बी प्राक का एक गाना होना गा लीजिए, बहुत बढ़िया, समझ रहे हो ना तुम लोग, बी प्राक का स्थिति वही है। आजकल एक गाना गा रहे हैं कि वो जो दारू लेके जिसका हाथ हिलता होगा समझ लो उसने बहुत धोखा खाया होगा, तो इनका एक अलग गाना है, मर बेवफाई का गाना गा करके खाली कर देते हैं सबको, ऐसा लगेगा तुमको कि अरे भगवान कसम मेरे ऊपर ही ये तो गाना गा रहा है। जितने दुखी वाले गाने होते हैं सब लड़की लड़के अपने ऊपर ले लेते हैं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ले यार ने ही लूटा, उसको भी अपने ऊपर लेंगे। थोड़ी देर में कहीं गाना बजेगा कि काश एक लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, वो भी उन्हीं के ऊपर है। अगला गाना अगर बज जाए कि कुछ ऐसा मान लो बज जाए कि वो क्या कहते हैं कि मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, वो भी उन्हीं के ऊपर है, मतलब ससुर तो यार का कहा है, समझ रहे हो ना। तो ये बी प्राक प्रेशर वाला गाना गाते हैं, ठीक है, एकदम प्रेशर से ये गाना गाते हैं। सुबह अगर कभी दिक्कत हो तो हाजमोला सतमोला मत खाओ, बी प्राक का गाना सुन लो, एकदम प्रेशर में, समझ रहे हो, बढ़िया प्रेशर बनेगा। अगला आइएगा, कौन सी पर्वत श्रृंखला लगभग 1500 मील की दूरी तय करती है और भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान चीन भूटान और नेपाल से होकर गुजरती है? गुजारो भैया, ठीक है ना, गुजारो इनका कौन कौन से। सर इतना 1524 किमी, ये तो आपके हिमालयन माउंटेन, अब इसमें भी तीन ठो भाग है, इसमें भी तीन भाग है। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32, सर ये वही है ना जो आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार देती है, भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि ये हमारे संविधान का आत्मा है, हाँ सर, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। अगला, सभी कोशिका नाभिकों को लाल रंग में रखने के लिए उत्तक विज्ञान और कोशिका विज्ञान में किस जैविक अभिरंजक का उपयोग किया था? बाप रे बाप, ससुर सुसाइड कह लें हम कहीं साइड में हो करके, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमारे क्लास के लड़के करेंगे क्या किसी के, किसी भी क्लास के, ठीक है ना, बी ऑप्शन सेफ्रेनिन। ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। ग्रैमी, सर वो रविशंकर जी की परिचय में तन्वी शाह जी जो थी, ये ग्रैमी से
पहली पुरस्कार सामने, नहीं तो अनुष्का शंकर रविशंकर से अनुष्का शंकर जोड़ के टिक मार के कहेंगे एक नंबर तो मिल गया, ऐसे ही मिल गया तुमको एक नंबर, ऐसे मिल गया। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय एथलीट मारिया शारापोवा की आत्मकथा है? खुला, अनब्रेकेबल, लेकिन वाकई में माई लाइफ सो फार, बताइए कौन सी है? मारिया शारापोवा बहुत सुंदर प्लेयर थी ये। आज तुम लोग जब मैं पढ़ा लूंगा तो गूगल करना टेनिस प्लेयर मारिया, मेरी बहुत फेवरेट प्लेयर ये रही है मारिया शारापोवा। इनकी हाइट वगैरह देखना, खेलने की कला देखना, कितने अवार्ड जीती हुई हैं, तो हमारी तो बहुत फेवरेट। फीमेल में यदि कोई मेरी फेवरेट प्लेयर है तो दैट इज मारिया शारापोवा, और इनकी आत्मकथा का नाम है अनस्टॉपेबल, माई लाइफ सो फार, ठीक है ना, अनस्टॉपेबल। अगला, एक अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन जैसे होता है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सियरी सेक्टर, जैसे प्राइमरी में आपके खेती बाड़ी आ जाता है, मत्स्य पालन भी आपके प्राइमरी में भी आता है, फिशरी आपके प्राइमरी में आता है। अगला, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभा नायडू एक नृत्यकी थी, का बनारसी पान? आज का क्वेश्चन कैसा लग रहा है लल्ला तुमको, बताओ? नहीं तुम जीएस बहुत कूद कूद के आंसर करते हो। हम जब आज ये सब क्वेश्चन आ रहे थे ना, तो मेरे क्लास के जो दो चार रेगुलर स्टूडेंट हैं, मैं आज सोच रहा था कि आज सब ना सांस नहीं लेंगे इधर से उधर, कहेंगे अरे गुरुजी उसी में क्या ही बता दें, सी ऑप्शन कुचिपुड़ी। अगला, वयोवृद्ध नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी को निम्नलिखित, आज मैं बता दे रहा हूं मेरी करेंट अफेयर की 28 तारीख को, सब लोग रट लो 28 जुलाई को, तुम लोग का सपोर्ट और तुम लोग का प्यार चाहिए मुझे सुबह 8 बजे, क्योंकि 28 जुलाई को सुबह 8 बजे मेरी करेंट अफेयर की बुक आप लोगों के दरबार में लॉन्च हो रही है, और मैंने अपनी करंट अफेयर के बुक में आर्ट एंड कल्चर को जगह दिया है, मैंने जनगणना को जगह दिया है, भले ये दोनों स्टैटिक के मुद्दे थे, रीजन नंबर आ रहा है भैया, ठीक है ना। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, सतरिया। सब लोग कसम खाओ कि 28 जुलाई सुबह 8 बजे मिशन 288, 28 जुलाई 8 बजे ये आपको याद रखना है, 28 जुलाई 8 बजे सवेरे, ठीक है ना, 8 AM सवेरे सबको रहना है लल्ला, तुम ही लोग रहोगे। ये वाला हटा दो, ये वाला क्वेश्चन हटा दो क्योंकि वो बड़ा 2011 है। निम्नलिखित में से कौन सा सानिया मिर्जा की आत्मकथा का शीर्षक है? ठीक है, बताओ। सानिया मिर्जा ने लिखा है एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है ना, बाधाओं के खिलाफ, एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है ना, ये उनका है। इंग्लिश वाले से इसका अर्थ लेना, अ शॉर्ट एट हिस्ट्री माय ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड मेडल, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है? बताइएगा किस प्रसिद्ध आत्म खिलाड़ी की आत्मकथा है, बताइएगा, बोलो 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 बोलो, सोचो। ठीक है ना, बताओ 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 क्या इसका राइट आंसर होगा, सोचो इसका आंसर करके सोच बताओ। तो भैया इसका राइट आंसर है आपके अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन। हाँ आज का क्वेश्चन लिख रहे हैं बेस्ट, आज का क्वेश्चन टफ है, हमको अच्छे से पता है, ठीक है ना, आज का हमको अच्छे से पता है कि आज का क्वेश्चन तुम लोग को कितना समझ में आ रहा होगा। इसका आंसर करो, ठीक है ना, इसका आंसर करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आज के क्वेश्चंस की पीडीएफ जरूर चाहिए, मैं बताऊं आज के क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी कहां से? वही अड्डा के ऐप से, क्लास के एक घंटे बाद आप ऐप अभी डाउनलोड कर लेना, जो लिंक पे लगी, एक घंटे बाद मैं ऐप पे दिलवा दूंगा। ये बताओ डेमेत्री मेंडलेव लोथर मेयर ने किस वर्ष व्यक्तिगत रूप से आवाधिक कानून बनाया और प्रस्तावित किया कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल पर भौतिक रासायनिक, कुल मिला जुला के मेंडलीव की आवर सारणी कब आई थी? बस इतना पूछना चाह रहा है, इतना कुछ लिखा, अब पूछ रहा है कि भैया बता दो ना मेंडलीव की आवर सारणी कब आई? गुरु जी 1869 में आई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक है? रुद्र वीणा वादक हैं उस्ताद असद अली खान। अगला, एक बड़े फ्लोर मैट पर कौन सा जिम्नास्टिक इवेंट होता है? बस देखो मैंने क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया है, नहीं खेल खेल के मैदान, खेल में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली, यह सब तो पूछता ही है ना, सच सच बताओ, मैंने तरीका आज बदल दिया है, थोड़ा सा उसको टफ करने के पीछे गया हूं। तो सर जिम्नास्टिक इवेंट होता है वो आपके फॉरेक्स तल व्यायाम, फ्लोर एक्सरसाइज, ठीक है, फ्लोर एक्सरसाइज। 1687 में प्रकाशित फिलोसफी नेचुरलिस्ट प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से जाना जाता है,
किस वैज्ञानिक, बस वो इतना पूछ रहा है प्रिंसिपिया का लेखक कौन है। ये तो डराने के लिए मैंने इतना लंबा चौड़ा टाइप कर दिया, ये डराने के लिए कि भौकाल बना रहे प्रश्न का। बाकी पूछ तो वो इतना ही रहा है कि प्रिंसिपिया का लेखक कौन है। सर वो ना न्यूटन जी थे। हाँ यार, इजाक न्यूटन, ठीक है ना, इजाक न्यूटन। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने और विशेष रूप से विकलांग बच्चों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हार्मनी एंड यूनिवर्सलिटी थ्रू म्यूजिक की स्थापना की है, बताइए। सर ये किया है बहुत बड़े व्यक्ति तो संदीप दास ने। भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए सितारा देवी को पद्मश्री और कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। इनडायरेक्टली ऐसे कह सकते हो, सितारा देवी का संबंध किस से है, कथक से, भरतनाट्यम से, उड़ीसी से या कुचिपुड़ी से, बताइए। तो सर इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, कथक, ठीक है ना, इसका राइट आंसर है कथक। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता कारण विलुप्त होने के कगार पर है, बताइए। सर वो पौधा है आपके मधु का प्रतीक, ठीक है ना, मधु का प्रतीक। आज का पेपर तो बहुत टफ हो गया सर, मत आज पढ़ाइए, ठीक है, मैं रोक दूंगा, 50 क्वेश्चन के बाद रोक दूंगा, 75 क्वेश्चन है लेकिन 50 के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अनिता देसाई द्वारा लिखा गया है, अनिता देसाई द्वारा लिखा गया है क्लियर लाइट ऑफ डे, दिन का स्पष्ट प्रकाश, क्लियर लाइट ऑफ डे। भारत के दो द्वीप क्षेत्रों लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार की जलवायु का अनुभव करते हैं। अभी तो सर हम लोग बहुत कठिन प्रश्न का अनुभव कर रहे हैं, इसका नहीं पता सर, ठीक है ना, इसका नहीं पता। एक लोग कह रहे हैं सर चंद्रयान 3 का नहीं है मेरे पास पीडीएफ, नहीं है, नहीं होगा ना, आज जुगाड़ बताते हैं ना कहां से सारा पीडीएफ, पीडीएफ पीडीएफ छोड़ो, अब किताब देंगे तुमको, पीडीएफ सीडीएफ पुरानी बात हो गई। ऐतिहासिक पुस्तक दिल्ली या नॉवल के लेखक कौन है। अब चारों नाम बहुत बड़े बड़े हैं, आपको ना याद हो, प्रश्न कठिन लगे वो एक अलग का मुद्दा हो सकता है। इसका राइट आंसर है खुशवंत सिंह, ठीक है ना, राइट आंसर क्या बनेगा, खुशवंत सिंह। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत की सार्वजनिक रूप से जानी मानी महिला सहनाई वादक है। सर बिस्मिल्ला खां को तो हम लोग खूब रटे सहनाई के लिए, लेकिन महिला सर वो है आपके बागेश्वरी कमर। सर आजकल हम लोग तो बागेश्वर धाम में फंसे हुए हैं, कहां से इसको याद करके आवे, ठीक है ना, बागेश्वरी कमर उनका नाम है सहनाई वादक। मनीष नरवाल निम्न में से किस, याद करो ओलंपिक खेलों के समय काफी चर्चा में आ गए थे मनीष नरवाल जी, ठीक है, तो मनीष नरवाल संबंधित हैं शूटिंग से। कुमारी किस प्रकार की खेती है जो पश्चिमी घाट में की जाती है, बताइए। कुमारी जैसे नहीं होता, एक आपके झूम कृषि नॉर्थ ईस्ट में होती है, एक प्रकार का शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, ट्रांसफरेबल एग्रीकल्चर है। तो कुमारी किस प्रकार की खेती है जो पश्चिमी घाट में की जाती है, डी ऑप्शन प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग, आदिम निर्वाह खेती। जब पैसे का कमोडिटी मूल्य पैसे के मौद्रिक मूल्य से कम होता है तो इसे क्या कहते हैं। सर आप सर कुछ आज का क्वेश्चन मैंने थोड़ा टफ किया है, ये मैं आज जान रहा हूं, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो जीएस का कोई लिमिट नहीं है, जीएस की कोई लिमिट नहीं है। मन कौतूहल पुस्तक का संकलन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था, तो किस राजा ने किया था, राजा मानसिंह तोमर ने। 3 क्वेश्चन और पढ़ लो, चलो मैं आंसर कर दे रहा हूं, इसका आंसर बी है। निम्नलिखित में कौन सी विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबी आकार की होती है, अमीबी आकार की आपके श्वेत होती है। लास्ट, ओलेओ गरम रल हींग से प्राप्त किया जा सकता है। सर हींग प्राप्त किया जा सकता है नल जड़ से सूखे लेक्टस। इसमें 75 क्वेश्चन है लेकिन मैं इसको रोक दे रहा हूं। अब जरा सा मेरी एक बात सुनो, तुम लोग को कुछ दिखाना मिलाना है यार, तुम लोग के साथ कुछ दिखाना मिलाना है आज मुझे, ठीक है। अब एक बात बताना मुझे, ठीक है, तुम लोगों के लिए आज मैंने एक छोटा सा प्रयत्न किया है, ठीक है, आज तुम लोगों के लिए। एक्चुअली मेरी बात समझना, जितने लोग मेरे साथ यहां पे हो प्लीज मेरी बात को समझना। आप लोगों के लिए जनवरी, ठीक है, एक सेकेंड मेरी बात समझना। जनवरी 2023 से लेकर के आपके जुलाई अभी चल रहा है, आज आपके 25-26 जुलाई हो गया, कितना हो गया 25 जुलाई, जुलाई 2023 तक का मैंने आपके लिए 6 माह का करेंट अफेयर बुक लाया, जिसमें मैं आपको बताऊं द 10 मिनट शो का कंपाइलेशन भी है।
और मैं आप सबके सामने पहले जो मैं द 10 मिनट शो पढ़ाता हूं मैं लिख करके दे रहा हूं, और ये आप विश्वास करिए, आप कोई भी मार्केट की करंट अफेयर बुक उठा लीजिएगा, और जो मैंने एक प्रयत्न शुरू किया पिछले 1.5-2 सालों से द 10 मिनट शो के नाम से, उससे हर एक क्वेश्चन अब फंस रहे हैं एग्जामों में, मतलब 2-4 क्वेश्चन तो कंफर्म है। और इसके लिए मैं अपनी 28 जुलाई मतलब आज 25 जुलाई है भैया, 28 जुलाई को सुबह 8 बजे AM पे इस द 10 मिनट शो का पूरा कंपाइलेशन पढ़ाने वाला हूं, तो आप सभी को उसमें आना है। उसके अलावा उसी दिन मैं अपने करेंट अफेयर की अर्धवार्षिकी लॉन्च करूंगा, जो नाम की अर्धवार्षिकी होगी लेकिन वो होगी 7-8 महीने की, और वो आपके लिए अगर आपका आदेश हो तो एक बार मैं उसका कवर पेज आपके सामने लाना चाहता हूं। आप बताइएगा उसका जो कवर पेज मैंने आप लोगों के लिए तैयार करवाया वो आपको कैसा लगा। अगर एक बार आप लोग का आदेश हो तो एक बार लिखिए जय हिंद, एक बार जय हिंद लिखेंगे, या आप जय हिंद के साथ साथ 28 तारीख 8 बजे सुबह ये लिख देंगे तो ज्यादा मजा आ जाएगा कि सर हम लोग को पता है। और मैं आपको बताऊं, इस किताब को मैंने 5000 किताब प्रिंट करवा रहा हूं, जो आज से प्रिंट में चली गई आज से, और ये 5000 प्रिंट होने में 2-3 दिन लगेगा। आज उसकी डिजिटल कॉपी आई, मैंने सारा प्रूफ रीडिंग किया और उसके बाद 5000 इसकी कॉपी प्रिंट होने के लिए गई। और सबसे ईमानदारी की बात बता देता हूं, ठीक है, तो यार तुम लोग एक बात पहले बताओ, साथ दोगे ना इस किताब में, ये एक किताब सभी के पास होगी ना करेंट अफेयर की। और मैं लिख के दे रहा हूं, तुम्हारे आने वाला MTS एग्जाम, आने वाला CGL एग्जाम, आने वाला CPO एग्जाम, CHSL एग्जाम जो आप आगे होगा, या फिर कोई अन्य एग्जाम जो आप राज्य स्तर का दे रहे हो, चाहे मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, बिहार पुलिस का दे रहे हो, ये किताब इन सब एग्जामों में काम आएगी, ठीक है। तो आपके सामने ये मेरी किताब का जो पहला लुक है वो ये है, करेंट अफेयर अर्धवार्षिकी 2023 जुलाई अपडेटेड। इसमें मैंने अपने द 10 मिनट शो के जितने, अब यहां लिखने में थोड़े कम है, लगभग सब, इवन सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि मिशन चंद्रयान का भी क्वेश्चन कवर कर दिया आपके लिए मैंने इसमें, आर्ट एंड कल्चर, ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर भी कवर किया, तो मैंने आपके लिए जनगणना भी कवर किया, क्योंकि SSC इनको ट्रेंडिंग में ला रहा है, SSC इनको ट्रेंडिंग में ला रहा है, तो मुझे फिर वो टॉपिक्स यहां पे लाने ही लाने थे। तो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये किताब लॉन्च होगी 28 जुलाई, ये किताब लॉन्च होगी 28 जुलाई को सुबह में 8 बजे। पहले वहां पे द 10 मिनट शो की मैराथन क्लास चलेगी, उसके बाद ये लॉन्च होगी। तो मैं आप सब से और ये भी आपको वादा कर देता हूं, इस किताब का रेट इतना कम रखूंगा कि आप खुश हो जाओगे, बस सर मजा आ गया, ठीक है ना। ये भी, और ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में लॉन्च होगी, हिंदी में भी लॉन्च हो रही है और इंग्लिश में भी लॉन्च हो रही, मतलब क्वेश्चन के ही नीचे हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा रहेगा, दोनों लैंग्वेज में ये किताब लॉन्च होगी। कब? 28 जुलाई सुबह 8 बजे। अब ये बताओ किताब का आपको जो व्यू है, पहला व्यू जो है वो आपको कैसा लगा अर्धवार्षिकी का। और इसमें मैंने ये जो 1100 क्वेश्चन है ना, एक एक क्वेश्चन को तुम्हारे आंख के सामने से मैंने टॉपिक वाइज कर दिया है लल्ला, कि जैसे अब आपको लगता है कि पेपर ने ट्रेंड पकड़ा आर्ट एंड कल्चर का, तो करेंट अफेयर का आर्ट एंड कल्चर पूरा उठा के पटक दिया हूं, साथ में स्टैटिक भी, समझ रहे हो ना। अब राष्ट्रीय मिशन चंद्रयान, राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक, राजनैतिक, विज्ञान प्रौद्योगिकी, प्रमुख शिखर सम्मेलन, प्रमुख सैन्य अभ्यास, प्रमुख चर्चित महिला एवं पुरुष, प्रमुख पुस्तक एवं लेखक, प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, विश्व एवं भारत में प्रथम जनगणना परिदृश्य, G20 सम्मेलन, नया संसद, सैन्य अभ्यास, सब इसमें शामिल है, सब कुछ इसमें शामिल किया हूं। तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यह किताब 28 तारीख को जब लॉन्च होगी, मैं क्यों इसमें 2 दिन और लेट कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि पहले यह किताब 5000 किताब मेरे पास प्रिंट होके आ जाए, ताकि किसी के भी पास एक हफ्ते के अंदर यह किताब पहुंच सके, ठीक है ना यार। प्राइस, अच्छा तुम लोग प्राइस भी बता दो, कि हंसी मजाक मत करना, ईमानदारी से बताओ अर्धवार्षिकी प्राइस क्या रखवाई जाए, क्योंकि प्राइस पे मेरा मैनेजमेंट से डिस्कशन है थोड़ा, प्राइस कितनी होनी चाहिए,
और बिना डिलीवरी चार्ज के, डिलीवरी चार्ज वगैरह सब अड्डा देगा। प्राइस इसकी सर सर बता, तीन रेट देता हूं आपको कि सर तीन आपके सामने प्राइस का, 149 रुपए, 199 रुपए और सर 249 रुपए, और एक आपके लिए चलो 99 रुपए। अब यार देखो इज्जत वाली बात है, अब सोच समझ के बताना, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है ना, अब सोच समझ के बताना। हाँ हाँ मारे ससुर ना, अब ये तुम लोग को सोच समझ के बताना है क्या रहेगा। ये तो हम जान ही रहे हैं, तुम लोग ये वाला ऑप्शन तो कह, ये तो ऑप्शन है नहीं है, इसको तो डिलीट मार दीजिए आप, इसको तो डिलीट मार दीजिए, देखते हैं इसके पीछे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। ये एक डिस्कशन का मुद्दा होगा, वो हम लोग देख लेंगे, वो मैं मेरे ऊपर छोड़ो, ठीक है ना, वो मेरे ऊपर छोड़ो, मैं देख लूंगा, ठीक है ना। ऐसा रहेगा कि आपके लिए अफोर्डेबल रहेगा। और मान लो अगर ये किताब 100 रुपए की भी है, एक मिनट के लिए मान लो 100 रुपए, तो 100 का मतलब 100 होगा, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा इस किताब का, ठीक है ना, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। ये किताब आपको अड्डा के ऐप के थ्रू बुक हो जाएगी, फिर आपके घर ये डिलीवर होगी। तो अड्डा का ऐप अभी से रख लो, क्योंकि मैं सच बता रहा हूं, देखो करेंट अफेयर एक लिमिट के बाद अपनी वैल्यू खो देता है, फिर नया नया करेंट अफेयर आता है। इसीलिए मैंने इसकी 5000 किताब ही छपवाई है, कि 5000 स्टूडेंट इनफ होगा, बहुत करूंगा तो 7-8 करवा लूंगा। तो अड्डा के ऐप को डाउनलोड कर लो, वो आपको काम आएगा, ठीक है। तो अगर ये आपको कवर पेज अच्छा लगा हो तो सुझाव दीजिएगा मुझे कि यस सर बेहतर है, नहीं आप और कोई चेंजिंग चाहते होंगे तो वो भी करवाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, सुबह 8 बजे मिलते हैं करंट अफेयर में, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद धन्यवाद।